नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा ठाकुर। आइए रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। पूर्व MLC प्रदीप शर्मा ने आज कोरोना महामारी के सिलसिले में बताया कि कोरोना की वजह से हमारे देश में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। उन्होंने लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि हमें सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए और कोरोना की लड़ाई में अपने सभी मतभेदों को भुलाकर इकट्ठे होकर इस कोरोना की महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने और पुंछ जैसे दूरदराज इलाके में कोरोना से लड़ने के लिए वेंटिलेटर दिए जाने पर सरकार का शुक्रिया अदा किया। ऑनलाइन हिंदुस्तान में आपका स्वागत है, मैं हूं प्रदीप शर्मा। आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और XMLC प्रदीप शर्मा। शर्मा साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह से कोरोना महामारी अपने पांव पसार रही है, पुंछ में भी इसने अपनी दस्तक बड़े जोरों शोरों से दी है, क्या कहेंगे, किस तरह से सरकार द्वारा इसको रोकथाम के लिए प्रयास किया जाए? मैं ये कहूँगा कि कोरोना जो महामारी है, पहले जब आई थी तो हम सब लोगों ने एक मुकाबला किया था पूरे हिंदुस्तान में और हमने सोचा था कि ये जंग हम जीत गए हैं, लेकिन 6 महीने का वक्फा हमें मिला। पर ये सेकंड जो लेयर आई है उससे ज़्यादा शिद्दत की और ज़्यादा सख्त लेयर आई है, जिसमें बहुत से लोग जो है, एक एक आदमी जो है वो 70-80 लोगों को संबंधित करता है, उनको साथ में दूसरे को बीमारी देता है, एक आदमी दूसरे आदमी को, और एक आदमी से दूसरा आदमी ज़्यादा बीमार हो रहा है। और ख़ासकर ज़्यादातर मैं ये एक और बात कहूँगा, बहुत सी मौतें जो हैं इस कोरोना के साथ हो रही हैं, हमारा बहुत बड़ा हिंदुस्तान का नुकसान हो रहा है, चाहे वो छोटा मरे चाहे बड़ा मरे। और ख़ासकर मैं पुंछ की बात करूँगा, पुंछ में मैंने इतनी मौतें होते हुए कभी नहीं देखी है। आज के दिन ही बात करूँगा कि हमारे ADG मकसूद चौधरी साहब, हमारे श्याम लाल शर्मा जो पुंछ के थे, जम्मू डायरेक्टर ऑफिस में लगे हुए थे, कल कपूर साहब हमारे डॉक्टर जो सर्जन थे, ऐसे पूछी बहुत सी नाम पर हस्तियाँ और छोटे बड़े, क्योंकि मौत जो है वो छोटा बड़ा सब बराबर होते हैं, बहुत से लोगों की हमारे पूंछ में जाने चली गई। और मैं एक बात और कहूँगा कि इन जानों के बाद फिर एक ही बात कहूँगा कि इससे हमें बचाव करना है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, खासकर मास्क की और दूरी बनाए रखने की, हाथ बार बार धोएं, चाहे आपके साबुन है पास हो चाहे सैनिटाइजर है, यानी कि वही हो, साबुन के साथ हाथ धोएं। और जब तक इसको चैन को हम नहीं तोड़ेंगे, ये कोरोना जो है वो ठीक नहीं हो सकता है। पर मैं इसके साथ ही एक बात और कहूँगा कि हम सबको जो है मिलकर, प्रधानमंत्री जो हमारे मुल्क का जो प्रधानमंत्री है, उसके साथ हमें कोई टीका टिप्पणी ना करते हुए प्रधानमंत्री के साथ अगर हम चलेंगे तो ये कोरोना वायरस से हम जीत सकते हैं। तो शर्मा साहब, पूंछ दूर दराज एरिया है, यहाँ वेंटिलेटर की कमी है, चलो सरकार की तरफ से जो भी मिला वेंटिलेटर मिले हैं, ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है, ये एक बड़ी बात है पूंछ के लिए, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि ये धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी का। पुंछ में हम सोच भी नहीं सकते थे कि पुंछ जैसी जगह पे हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 15 वेंटिलेटर आए हैं, सुरमकोट हॉस्पिटल में 10 वेंटिलेटर आए हैं, मंडी में 5 और मैंडल में 5 वेंटिलेटर, 35 वेंटिलेटर जैसी चीज़ हमारे पुंछ में आई है, जो हम कभी सोच नहीं सकते थे, हम वेंटिलेटरों का नाम सुनते थे। और मैं ये कहूँगा, इस बुरे वक्त में प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए भेजे हैं। और पिछले 4 दिन पहले आपने ट्वीट पढ़ा होगा हमारे जितेंद्र सिंह जी का और हमारे MP मेंबर पार्लियामेंट श्री जुगल किशोर शर्मा जी का, कि पुंछ में भी उन्होंने PM केयर फंड में से वो ऑक्सीजन जो है वो प्लांट जो है पुंछ में दिया है, पर रजौरी में भी दिया था, रजौरी में चालू हो गया है, पुंछ में अभी 15-20 दिन लगेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी से कहूँगा कि आपने दिया है, जल्द से जल्द इसको जो है पुंछ में को प्लांट को शुरू किया जाए। और ख़ासकर मैं प्रधानमंत्री जी और अपने LG साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार हम कमिश्नर सेक्रेटरी के पास गए और जो भी जम्मू कश्मीर एडवाइज़र साहब आए उनसे बात की, हमने अपनी पार्टी से भी बात की, और पुंछ में सबसे बुरी हालत अगर किसी की है तो हमारे हॉस्पिटल की, और यहाँ जो मेडिकल जो सहूलियात हैं उसकी सबसे बड़ी बुरी हालत है। यहाँ पर सबसे बड़ी जो कमी है वो स्पेशलिस्ट की कमी है, CT स्कैन की मशीन यहाँ पर लगी हुई है, डॉक्टर नहीं है, यहाँ से किसी को थोड़ी सी परेशानी होती है सीधा जम्मू जाना पड़ता है, यह रेफर हॉस्पिटल बन गया है पुंछ का। मैं ये कहूँगा कि जल्दी से जल्दी EI स्पेशलिस्ट यहाँ पर नहीं है, और बहुत से स्पेशलिस्ट ऐसे हैं जो इस हॉस्पिटल में नहीं है। मैं
प्रधानमंत्री जी से और अपने एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जल्दी ही खासकर डॉक्टरों की कमी जो है इसको इस कोरोना में पूरी की जाए, क्योंकि ये जो महामारी है शिद्दत से जो है पूंछ में आई है और हमारे बहुत से लोगों का, मैंने जैसे कहा, बहुत से लोगों का दिन में हर रोज़ 2-3-4 लोग हमारे नुकसान हो जाते हैं, क्योंकि पूंछ एक दूरदराज इलाका है, बॉर्डर इलाका है, पहाड़ी इलाका है, यहाँ से हर आदमी टेस्ट करवाने के लिए नहीं आता है। मैं आपको कहूँगा हर तीसरे या चौथे या पाँचवें आदमी को यहाँ पर कोरोना है और गवर्नमेंट को ये लोग डरते हैं टेस्ट से, मैं और बहुत से लोग कोरोना की वजह से मर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से कहूँगा और ख़ासकर अपने एलजी साहब से कहूँगा कि हमारी ये कमियाँ आप पूरी करें और ख़ासकर जो टीकाकरण है जी, आपने वैक्सीनेशन की भी बात मैं आपसे करूँगा कि वैक्सीनेशन जो है वो प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। 18 से जो है 45 साल के लोग भी आप वैक्सीनेशन करवाएंगे लेकर, वो वैक्सीनेशन लोगों ने बुकिंग करवा दी, अभी तक शुरू नहीं हुई है। मैं ये कहूँगा कि ये वैक्सीनेशन जल्द अज जल्द शुरू करनी चाहिए और तीसरी लेयर जो है वो भी एक अलग आने में, वो भी हम टीवी में सुनते हैं, हमें पता नहीं है वो क्या है, लेकिन वो सुनते हैं, हम डॉक्टर नहीं हैं, सुनते हैं कि वो बच्चों पर अटैक करेगी, वो वैक्सीनेशन भी जरूरी है बच्चों की, 18 साल के जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि माँ बाप जो हैं वो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि बच्चा खुद ना हॉस्पिटल जा सकता है, ना अकेला रह सकता है, ना ही खुद अपनी ट्रीटमेंट, दर्द भी अपना नहीं बता सकता है, वो वैक्सीनेशन भी जरूरत है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहूँगा कि वो वैक्सीनेशन भी हमें पूंछ की में जरूरत है और आप हिंदुस्तान में जरूरत है, आप जल्दी ही उसका भी आप लॉन्च करें, 18 से 45 वाली जो शुरू करें जो आपने लॉन्च कर दी है, और ताकि लोग जो है वो जाकर अपनी वैक्सीनेशन का काम जो है शुरू करा सकें और लगवा सकें। और लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी आदमी जो है वो एक दूसरे को ऐसी बात ना करें कि जैसे शोर पड़ जाता है, एक दूसरे को डराना लोग डराते हैं कि ये हो गया वो हो गया, ऐसी पैनिक ना फैलाएं और जो है गाइडलाइन पर चलें और प्रधानमंत्री जी का साथ दें और तभी ये कोरोना से हम लड़ सकते हैं। तो शर्मा साहब, जैसे कोरोना की महामारी फैल रही है, कुछ लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं, इसको बड़ी लाइटली ले रहे हैं, ऐसे लोगों से आप क्या? मैं उनसे कहूँगा कि आप जाकर ठाकुर पूरन सिंह जी हमारे मिनिस्टर थे जोरी के, जाकर देखो उनके परिवार में क्या हुआ, तो ऐसे पूंछ में जिन लोगों के घरों से हमारे कीमती जाने चली गई हैं उनको वो भी देखना चाहिए और उनको देखकर हमें सबक लेना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि आप हमको डरना चाहिए इस कोरोना से, लेकिन डरना नहीं चाहिए, अगर लड़ना है तो जो गाइडलाइंस हैं उनको ध्यान में रखकर हमें लड़ना है। और मैं उनसे कहूँगा कि अगर हम नहीं डरेंगे तो हम एक आदमी 50 लोगों को समृद्धि साथ में जो है वो बीमारी देगा और बीमारी जो है वो फैलती जाएगी कोरोना की, और कोरोना की चैन हम तोड़ नहीं पाएंगे। मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रधानमंत्री की गाइडलाइन पे हम सबको चलना। जिले में कोविड परिदृश्य की समीक्षा करने के लिए उपायुक्त अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने आज डाक बंगला खानबल में संबंधित अधिकारियों की एक बैठक की। बैठक में ADC अनंतनाग, प्रिंसिपल GMC अनंतनाग, कोविड अस्पतालों केंद्र के प्रशासन, CAO, DSHO, DPO, RNP, PHE, PDD, DUCMO के नोडल अधिकारी कोविड नियंत्रण कक्ष ने भाग लिया। पुंछ की तहसील मंडी के बलनोई गांव से मंडी आ रही एक गाड़ी सड़क हादसे का शिकार हुई। गाड़ी में 4 लोग सवार थे जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। 3 जख्मी को मंडी हॉस्पिटल लाया गया, वहां डॉक्टर ने उनकी हालत को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ रेफर कर दिया और वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में भी डॉक्टर से उनकी हालत को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज जम्मू भेज दिया गया। कैजुअलिटी हुई और जो जख्मी है उनकी क्या हालत है, किस कंडीशन में? जी, मैं डॉक्टर मुकर्रम बुखारी, मैं सेटेस्ट एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन का स्पेशलिस्ट हूँ SBH मंडी में। आज सुबह अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट हुआ राजपुरा के पास, उस गाड़ी में हमारे पास आए थे 3 लोग सीवियरली क्रिटिकल, 3 लोगों में से हमने 3 के 3 को फर्स्ट एड ट्रीटमेंट यहाँ पे दे के, वो बहुत ही क्रिटिकल थे, कुछ मल्टीपल फ्रैक्चर्स, हेड इंजरीज, एब्डोमिनल और चेस्ट ट्रामा सारा कुछ था उनको।
उनको हमने फर्स्ट एड दे के अच्छे से यहाँ से पूंछ रेफर कर दिया। एक बच्चा जो कि 4 साल का था वो ब्रॉड डेड लाया था यहाँ पे, उसको हेड इंजरी थी, उसका पोस्टमार्टम फॉर्मेलिटीज करके उसको हमने लोहाकिन के हवाले कर दिया है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था, लेकिन यहाँ CHC मंडी में सारे डॉक्टर्स ने यहाँ पे बहुत कोऑपरेट किया, सारे स्टाफ ने कोऑपरेट किया, एकदम निकल आए और बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया और एकदम सारा फर्स्ट एड वगैरह दे के उनको रेफर किया। हमने अपनी एम्बुलेंस 2 एम्बुलेंसेज एट द साइट ऑफ एक्सीडेंट भी भेजी थी, जिन्होंने इनको इमिडिएटली वहाँ से रेस्क्यू करके एक्सीडेंट साइट से मंडी में पहुँचाया। जिला शोपियान में COVID-19 की लड़ाई में मॉडल टाउन के रूप में दिखाई दिया। बड़े पैमाने पर टीकाकरण किया गया और शोपियान कम कोविड प्रभावित जिला है। DIV कॉम के दुकानदारों ने दूसरे दिन शोपियान का दौरा किया और मास्क के टीकाकरण के लिए बधाई दी और साबित किया कि टीकाकरण संक्रमण के प्रसार को नियंत्रण करता है। और उन्होंने जोर दिया कि दिव्यमान को SOP और अन्य दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। यहाँ की जो आवाम ने, कम्युनिटी ने जो सपोर्ट किया है उसकी मैं बधाई देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक आपने जो क्वेश्चन पूछा उससे रिलेटेड, डेफिनेटली चिंता की बात है, यहाँ भी केसेस बढ़ रही है, दूसरे ज़िले में भी बढ़ रही है, लेकिन उतनी बात मुश्किल नहीं कि जिसको हम टैकल नहीं कर सकते। शोपियां में जो है तकरीबन 300 के करीब बेड है जो ऑक्सीजन सपोर्टेड रहेंगे, डेफिनेटली जो है इवन केसेस की तादाद बढ़ भी जाती है तो आराम से उसको टैकल कर सकेंगे। आपके ज़रिए से पब्लिक को यही अपील है कि पैनिक मत हो जाए, पैनिक से समस्या का कोई हल नहीं निकलता है। समस्या का हल जो है समस्या को समझने में और उससे अनुसार प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव मेजर लेने से ही होता है। बहुत सारे मेजर्स है, आप सब जानते हैं, पिछले एक साल से जो है आप TV पर, रेडियो पर और अलग अलग जरिए से जो है सुनते आ रहे हैं। वही 3 मेजर्स है, घर से बाहर जो है बहुत ही ज़रूरी है तो ये निकलना है, निकलते वक्त मास्क पहनना है, हाथ की सफाई रखनी है, सैनिटाइज़र या पानी का यूज़ करना है ताकि इन्फेक्शंस ना आ जाए हाथों पर, और जो है भीड़ भाड़ के एरिया से दूर रहना है। क्या सर, साथ ब साथ जो घर में जो रहते वक्त फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए, हेल्थ, अपनी सेहत ठीक रखने के लिए जो पैनिक फैलाने वाली न्यूज़ है, चैनल्स है या जो दूसरी इंफॉर्मेशन है उससे दूर रहे। अगर आपको लगता है कि नहीं उससे आप डिस्टर्ब होते हैं तो डेफिनेटली वो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हीं चीज़ों को आप देखें जिससे आपको जो है मेंटली आप स्टेबल रह सकते हैं और फिजिकली आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो घर में ही कर सकते हैं। होममेड रेसिपीज़ के बारे में हमारे डॉक्टर वक्तन फोक्तन दूरदर्शन पर, रेडियोज़ पर, अलग अलग चैनलों पर बताते हैं। इवन घर में ही बहुत सारे फिजिकल वर्कआउट्स कर सकते हैं जिससे कि हम बॉडी की सेहत अच्छी रख सकते हैं, मेंटली ठीक रख सकते हैं। इम्यूनिटी अच्छा रखना ही एक कारगर उपाय है जिससे कि हम कोविड को हरा सकते हैं, साथ ब साथ वैक्सीनेशन। DDC सदस्य पुलवामा जावेद रहीम भट्ट आम जनता से अपील करते हैं कि वो SOP का कड़ाई से पालन करें और वो पुलवामा में प्रशासन के उपायों की सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि ये समय बीत जाएगा और इस श्रृंखला को तोड़ने के लिए प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करने की हमें सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने प्रशासन से इस लॉकडाउन में विशेष अधिकार प्राप्त लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने की अपील की। मेरी जो मैसेज है ये हम सब के लिए है, हम सबों की रिस्पांसिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि हम न सिर्फ अपने आप को बचाए बल्कि जो हमारे फैमिलीज हैं, जो हमारे घर वाले हैं उनको बचाए और इस सारी सोसाइटी को हम बचाए। लैंगेट के मावर और काजीबाबाद क्षेत्रों में ओलावृष्टि फलों के उत्पादक और क्षेत्र के प्रतिनिधि मुआवजा चाहते हैं। पर फ्रूट का मेरे ख्याल में 80% नुकसान हो गया। जो पत्ते हैं दरख्तों पे वो बिल्कुल फटे हुए हैं जालाबारी से, तो ऐसा लगता है कि जब 5-6 दिन में वो सूख जाएंगे तो पूरा मेवा जो है वो करीब करीब सब खत्म हो जाएगा। तो पन वह वनस ये पन वह क्या गुत अम्बर कत रोदमत तुम वो जनाब यह गो पान पथर ये वो पान पान वो रात पे डॉट प्रैक्टिकली पान वनस कोत पान ये सोन
یہ اس نقصان گسان مطلب دانس گسان میوس گسان مگر کم سے کم گوش یہ اکس غریبس تین پہ واتن اگر یور لکھت نوان یوت ہسا گو 50% ہسا گئی نقصان 30% ہسا گئی یا 20% یا 70% ہسا گئی نقصان مگر اس تین چھ جناب یہ واتن پتہ اور کھانا چیز میو پونس ہسا اس واتان بچہ اس نا سہرے ام ور یہ ملزم کی تم پن پان پکن مگر اس کر بزنس اتھ کارس پہ بچہ اس یہ روزگار گمت بے سہارے ونکس پیر بہت روزان دربل بالا کیا دلیل گئی رات کم قسم ژال بری گئی رات گئی زبردست جال بری سنس علاقہ من تو اس رو سہارے تیت تمام میو کل گئی خراب تم گئی برباد تھل چیز گئی تباہ میو گو خراب میوس 50% لوٹ کم گۄڈنیٚتھ نہٕ زبردست روٗد امہِ پتہٕ گٔے چال بٲری تہٕ ہاکس تہِ ووت نۄقصان تھٔج ووت نۄقصان یُس میوٕ چھُ خاصیت یہِ صنعت تتھ تہِ ووت نۄقصان یوٗتاہ ڈوٹھ پیٚو مان ژٕ اسہِ باسیٚو یہِ شیٖن پیٚو شیٖنس باسیٚو شیٖنس ٲس فرق مگر تتھ ڈوٹھس ٲس نہٕ کانٛہہ فرقہ یوٗتاہ ڈوٹھ اوس لگاتار اوس پیٚو تقریٖباً حظ پیٚو 10 منٹن ڈوٹھ اوس ییٚتہِ حظ لٔگۍ زنہِ مۄہنی حظ برٛسان حظ ٲسۍ ودان حظ ٲسۍ ییٚتہِ حظ چھُ امہِ علاوٕ نہ حظ چھُنہٕ کینٛہہ سہرے حظ سون مطلب روزگار اوس وٕنکیٚنس یِہوے باغات سون حظ مطلب یہِ تہِ اوس اللہ تعالیٰ وٕنکیٚس راتھ یوٗت مطلب کوٚر یَتھ اللہ ڈِمانڈ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ اوس راتھ مطلب أسۍ ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ ہیٚرِ بہٕ تمہِ ساتہٕ نٮ۪بر ہیٚکہِ نہٕ ٹوٹل 20 منٹ پیٚو کَم سے کَم ڈوٹھ راتھ ییٚتہِ میوُک پونٛسہٕ ہسا اوس واتان أسۍ بچہ اسہِ نہ حظ چھُنہٕ کانٛہہ سہرے امہِ ورٲے ییٚتہِ چھِ مُلٲزِم کینٛہہ تِم چھِ پَنُن پان پَکناوان مگر أسۍ ٲسۍ کران بِزنِس أتھۍ کارس پٮ۪ٹھ حظ ٲسۍ بچان اسہِ حظ اوس یِہوے روزگار أسۍ حظ چھِ گٔمٕتۍ بے سہارٕ وٕنکیٚنس اسہِ نہ حظ چھُنہٕ رِزق مِلان وٕنکیٚنس ییٚمہِ اَمبٕرۍ پیٹہِ ورٲے کینٛہہ أسۍ چھِ غریٖب لِہاظہ کٔرِتھ ٲسۍ مُشتاق لُکن ہٕنٛز مٔزوٗرۍ کران مٔزوٗرۍ کٔرِتھ نسا چھُنہٕ اسہِ عیالس روزگار واتان کینٛہہ أسۍ چھِ اپیٖل کران تۄہہِ بایَن بیٚنٮ۪ن بُزرگَن لِہاظہ کٔرِتھ تُہۍ یِیِو تُہۍ کٔرِو موقعہٕ اگر تۄہہِ بیٚہو نہٕ کینٛہہ تُہۍ پھیٖرِو کُج پَتہٕ کُج تُہۍ وٕچھو اگر یہِ نۄقصان آسہِ نہٕ کینٛہہ تیٚلہِ یہِ تۄہہِ خۄش گژھیو تہِ کٔرِو اَسہِ سۭتۍ سلوٗک تہٕ اِستعمال تُہۍ ؤنِو ناو پَنُن مےٚ حظ ناو عبدالرشیٖد پیٖر بہٕ اوسُس روزان دربل بالا کیٛاہ دٔلیٖل گٔے راتھ ییٚتہِ حظ کَمہِ قٕسمٕچ ژال بٲری گٔے راتھ حظ گٔے زبردست جال بٲری سٲنِس علاقَس منٛز تہٕ اَسہِ نہٕ حظ روٗد نہٕ کانٛہہ سہارَے تَتہِ تَمام میوٕ کُلۍ حظ گٔے خراب تِم حظ گٔے برباد تُہۍ چھِو وٕنکیٚس یہِ دوا پَکناوان سُپر سٹار نٔٹیٖو کیونکہِ سُپر سٹار چھُ گۄڈٕ دوا والیو اَسہِ حظ ؤنۍ تِمن تہِ پوٗچھ تِمو حظ دوٚپُکھ تُہۍ چھِو یہِ دوا تہِ تہٕ امہِ سۭتۍ ہسا گژھِ کینٛہہ نہ کینٛہہ ہسا گژھِ اَمیُک کُلٮ۪ن فرق وۄنۍ کیاہ تُہنٛز ڈِمانٛڈ کیاہ چھِ سٲنۍ ڈِمانٛڈ حظ چھِ یِہوے أسۍ حظ چھِ اتھ گورمینٹس اپیٖل کران خاص کر گورنر صٲبس کران اپیٖل اسہِ پٮ۪ٹھ اگر اِنصافٕے کرُن کینٛہہ اسہِ پٮ۪ٹھ أسۍ گٔے بے سہارا تہٕ اسہِ چھُ کانٛہہ سہارا أمۍ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کال کی جو جلا باری ہو گٔے ہیل سٹارم اس نے فروٹ کو پوری طرح نقصان پہنچایا اور جو یہاں پر پنیری لگائی ہوئی تھی لوگوں نے اس کے بیج بوئے تھے اس میں بھی نقصان ہو گیا اصل میں یہ معاملہ ہے کہ یہ ہیل سٹارم ہر سال ہوتا ہے بارہ باری ہوتی ہے لیکن گورنمنٹ اس کی طرف سے خاص توجہ نہیں دیتی ہے کوئی ایسا میکنزم نہیں بناتے ہیں جیسے کہ گورنمنٹ کہتے آئی تھی کہ ہم فروٹ انشورنس سکیم بنائیں گے جس میں پھر آرچیوڈسٹس جو ہیں یا فروٹ ٹریڈر جو ہیں وہ کسی حد تک اپنے آپ کو سیف سمجھتے میں کل کی بات بتاؤں گا کہ جو آرچیوڈسٹس ہیں جو غربت میں پلے ہوئے غربت میں یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں یہ بیچارے تقریباً جنوری سے ہی اپنی باغوں کو بیچتے ہیں اور جو فروٹ ٹریڈرس ہیں وہ ان کو پیسے بھی دیتے ہیں لیکن جب ایسی آفت آتی ہے تو یہ دونوں پر یہ تلوار گرتی ہے یہ فروٹ ٹریڈرز بھی بیچارے ان کو دہلی سے بھی پیسے نہیں ملتے ہیں اور یہ یہاں ان باغ والوں کو بھی پیسے نہیں دے پاتے ہیں تو اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ ایک انشورنس سکیم بناتے تاکہ ہر ایک اپنے آپ میں بیوپار کرنے کے حوالے سے یا خود ہی یہ کام کرنے کے حوالے سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا جو کل کی جالہ باری ہو گئی اس سے تقریباً یہاں پر فروٹ کا میرے خیال میں 80% نقصان ہو گیا جو پتے ہیں درختوں پہ وہ بالکل پھٹے ہوئے ہیں جالہ باری سے تو ایسا لگتا ہے کہ جب 5-6 دن میں وہ سوکھ جائیں گے تو پورا میوہ جو ہے وہ قریب قریب سب ختم ہو جائے گا لہٰذا ہماری طرف سے ایل جی ایڈمنسٹریشن جو ہے ان کو گزارش ہے کہ پوری سروے کی جائے اور لوگوں کو جو گروورس ہیں ان کو بر وقت اس کا معاوضہ دیا جائے اور آگے کے لیے ایک ایسی سکیم اور ایسا سسٹم بنایا جائے تاکہ جو گروورس ہیں اور فروٹ ٹریڈرس ہیں وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ نہ سمجھیں طرف سے آپ پرزور گزارش ہے ایل جی گورنمنٹ کو ایڈمنسٹریشن کو وہ اس مسئلے کی طرف پورا دھیان دے دیں تاکہ کشمیر کا جو اصلی یہ معاملہ ہے فروٹ انڈسٹری
तो ये एक डगर पर रहे। हर साल और हर मौसम में कुदरत की तरफ से आफत रहती आती रहती है। ये हर रियासत में हिमाचल है, लेकिन हिमाचल में फ्रूट इंडस्ट्री के हवाले से एक पूरा सिस्टम है, वहाँ पर इंश्योरेंस सिस्टम है, वहाँ पर वो लोग ये अपने नुकसान को ज्यादा मार। कॉन्ट्रैक्टर्स यूनियन प्रेसिडेंट और बीजेपी सीनियर लीडर ठाकुर रणधीर सिंह ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि एक सियासी साजिश के तहत उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि जिस न्यूज पोर्टल ने उनके खिलाफ वीडियो अपलोड की थी उसके बाद मात्र 10 मिनट के अंदर उसे हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति उनके द्वारा करवाए गए कामों को चेक कर सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैंने जो भी काम करवाए हैं वो ईमानदारी के साथ करवाए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक लोग उन्हें बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं और वो सब उन्हीं के बहकावे पर हुआ है। जब ये न्यूज पोर्टल पे बात आई, मैंने जब ये देखा, मैंने इनके जो जम्मू परिवर्तन वाले मालिक हैं उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने 10 मिनट के अंदर अंदर ये सारी अपने पोर्टल से ये हटा दी, जो वीडियो अपलोड हुई थी ये हटा दी। इसका मतलब ये है कि उन्होंने देखा कि ये गलत चली है वीडियो, तो उन्होंने हटा दी, नंबर एक। नंबर दो, मैंने अपने एडवोकेट से बात की, सुनील सेठी जी साहब से, जो हमारे भारतीय जनता के जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। तो जब उनसे बात हुई तो मैंने कहा कि ये मेरे पे गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उनसे बात हुई, उन्होंने कहा आप मेरे पास आ जाइए, अब हम मानहानि का दावा करेंगे। लेकिन जब न्यूज़ जो हैं, जो हमारे जम्मू परिवर्तन वाले, उन्होंने हटा दी, तो नेचुरली बात है कि मैं उनके खिलाफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने देखा कि गलत न्यूज़ लगी है और उन्होंने हटा दी। जब अब बात आती है जो जिस हमारे पत्रकार ने कोशिश की जो चलाने की या किसी की बातों में आके किया। सेवेंथ पे इशू नॉर्मल पोस्ट पर हेड टीचर्स एडजस्टमेंट और साथ ही क्लास फोर्थ एम्प्लॉयज, इन सभी मुद्दों को लेकर शेख फिरदौस जो कि सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर और जम्मू कश्मीर मास्टर्स फोरम के वाइस चेयरमैन हैं, ने ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज के साथ खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा उन्होंने। देखिए तो भी फ्रेंक अनप, जो 2016 से हम लड़ते आ रहे हैं, जो एडजस्टमेंट की बात है और सेवंथ पे एरियाज के बारे में जो हेड टीचर्स का मामला है, इशू है, 2016 से पेंडिंग है। इसमें जो सेवंथ पे एरियाज 2016 में लेने थे, जैसे वाकर मुलाजमीन को लेने थे, लेकिन इन बेचारों ने नहीं लिए क्योंकि स्किप हुए थे उस सेक डिसीजन में। आप मुझे बताएं उनका जो मसला है, दो 2016 जो सेवंथ पे एरियाज हैं वो परेशानी की हालत में इस वक्त। हाँ, I am very much thankful to both directorates that they have released the seventh pay arrears in the concerned accounts of concerned CEOs. So, iske baad jo hai na seventh pay arrears jo main shukrguzar hu ek CEO Kopara ka, वर्दी सीओ कुपारा जो है, उन्होंने तो मन और जल्दी काम करके तुरंत कार्रवाई करके उनको कैश डाला है। जो हेड टीचर्स थे उनकी जो वर्निंग इशू जो प्रॉब्लम थी ये सेवन पे एरिया की, उन्होंने की कि इनके अकाउंट्स में। तो रही बात दूसरे सीओ साहिबान जो है, पता नहीं क्या हो रहा है उनमें, कभी क्या रहा है, मुझे फोन आ रहे हैं कि हमारी इस इन द मंथ ऑफ होली रमजान ईद इज द फेस्टिवल इज कमिंग नाउ, तो वो इससे महरूम इस वक्त भी है। इसमें अड़चन क्या है इस वक्त, ये वो बोल रहे हैं कि इनका जो है वो जीपी फंड में जाना है। जीपी फंड में उस वक्त जाना था उसको, जब ये क्या बोलते हैं इसको, अगर 2016 में ये हासिल करते सेवंथ पे ईयर, तो 2 ईयर्स के बाद उनको वो निकाल सकते थे, लेकिन 2021 में निकले इनके, तो कहाँ पे आ रहे हैं इनको जीपी फंड में डालो। और दूसरी बात जो है सेवंथ एडजस्टमेंट ऑफ हेड टीचर्स, जो हेड टीचर्स इस वक्त दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं, हमने बहुत कोशिश की एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की, मसले पहुंचाने की, तो इसमें जो इनका इसमें प्रोटेस्ट भी किया हमने, बहुत सारे डिमांड्स थे। एक तो डिमांड सेवंथ पे, खुशकिस्मत से सेवंथ पे एरियर्स की डिमांड इनकी पूरी हुई थी, लेकिन जो इनके एरियर से क्या है, वो क्या है सीओ साहब अकाउंट में है, इनके अकाउंट में है, कि क्या फायदा है इनको, जब इनके मिला नहीं है इस वक्त। ये सब कह रहे हैं, जो भी मुझे फोन कॉल कर रहा है वो कह रहे हैं कि सीओ साहब अफसर कह रहे हैं कि
ये आपको चिट फंड में जाएगा। ये ब्लैक मेलिंग कब तक चलेगी? अब तो सेवंथ पे एरियर जो इसमें क्लियर कंस्ट्रक्शन है कि सेवंथ पे एरियर जो इनके हैं वो कैश निकलने हैं, कैश निकलने हैं। तो अगर 2000 मैंने आई एम रिपीटिंग इट, जो अगर 2016 में उनको लेने थे या वो लेते तो दो जीपी फंड में जाते तो उसको उसके लिए ऑर्डर थे, लेकिन दो साल के बाद उनको निकाल वो निकाल सकते थे। अब जब 2021 में ये लेते हैं सेवंथ पे एरियर, अब बोला ये जीपी फंड में कैसे जाए, ये कौन सी चालक है? तो मैं अब दो चीज एडजस्टमेंट के बाद हमारे पास पोस्ट पड़े हैं। अब एक चीज बताए, अगर हेड टीचर एस आर बी रिक्रूटेड जनरल लाइन टीचर देन गॉट प्रमोशन एज मास्टर, अगर बाकी मास्टर जो अपने जो नॉर्मल पोस्ट पे अपना पे निकालते हैं, अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, तो इसके बाद जो हेड टीचर्स हैं, आप मुझे बताएं इनके पास कौन सा ऑर्डर है कि हेड टीचर्स को एडजस्ट मत कीजिए? अगर ऑर्डर है उनके पास इनको एडजस्ट नहीं करना है तो बात दरअसल दूर सी है। तो पोस्ट भी सरप्लस पड़े हैं, वैकेंसीज भी काफी हैं, तो इनमें इजिली वो एडजस्ट कर सकते हैं इनकी। ये लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, हमारे इश्यूज तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं हम स्टेप वाइज उठाते हैं जो कि सबसे लाइट जो होगा, मतलब सिंपल जो इशू होगा, तो वो उनको हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। जो बढ़ने के इशूज है हमारे मैम, आपको मैं कहना चाहता हूँ जो नेशन बिल्डर्स हैं इसमें जो मास्टर ग्रेड है, बाकी डिपार्टमेंट उसमें सेम कैडर के लोग वो तो मन आन पे नाम ले रहे हैं, 10,500-11,000 इन मास्टर हजरात से ज्यादा लेते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? अब कौम के हालात को सुधारना हो कि कौम के मेहमानों को साउंड बनाना होगा। तो दूसरी बात, इश्यूज तो बहुत सारे हैं, क्योंकि मैं एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ जम्मू कश्मीर मास्टर्स फोरम का, मेरे पास आते हैं हजारों कॉल आते हैं, आरईटीज की आती हैं, ये कंटिजेंट पेड की आती हैं, डेली वेजर्स की आती हैं। ये डेली वेजर्स का मामला, देखो जहाँ पे सरकार को सरकारी मशीनरी चलानी होती है, इनमें डेली वेजर्स का अहम रोल है। जहाँ पे मशीनें काम नहीं करते हैं वहां ये लोग रिस्क में अपने आप को डाल के, चाहे पीएचई हो, पीडीडी हो, आरएनबी हो, मैकेनिकल इरिगेशन हो, फ्लड हो, कोई भी और महकमा हो, तो इसमें ये मन आन काम कर रहे हैं। अच्छा देखिए बात वो सीपीडब्ल्यूज की, कंटिजेंट पेड वर्कर्स 25 रुपीज लेते हैं पर मंथ। अच्छा आज तक वो बस इसी इंतजार में, इसी आस में बैठे हैं कि कभी ना कभी हमारा मसला भी हल हो जाएगा, हम भी एक हैंडसम से ले लेंगे। लेकिन वो पिछले साल, आज तो आपको मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ कि 100 रुपए में एक मामूली सा टाफी आ रहा है, तो 25 रुपए में जाएंगे कहाँ है? अच्छा इनको ये कुकस जो है, इनको 1,000-1,000 रुपए पर मंथ मिलता है, वो भी 6 महीने 7 महीने के बाद में। इस फेस्टिवल पे, होली मंथ ऑफ रमजान इज नाउ कमिंग टू कंक्लूजन, तो ईद आ रही है, इस ईद के मौके पर भी वो आस लगाए बैठे कि नहीं हमारा मसला हल होगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करना चाहता हूँ कि ये मुलाजमिन के मसाइल जो है ना, मुलाजमिन जो है मशीनरी पार्ट्स ऑफ मशीनरी होती है, मशीनरी जो होती है इसमें लुब्रिकेशन चाहिए वक्त वक्त पे, इसमें मतलब ये है ना पुर किसी में लुब्रिकेशन खत्म हुई तो उसको उखाड़ फेंकेंगे, उखाड़ने की बात नहीं है। कहीं आपको पता है कोविड हालात ऐसे चल रहे हैं, इन कोविड हालात में अगर देखो टर्मिनेशन कहीं पे हो रही है वो है, इसमें मैं ह्यूमन टर्न ग्राउंड पे मैं अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से पूरी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को कि इस टर्मिनेशन ऑर्डर जो इसको रिवोक कीजिएगा। फिलहाल हमारे आज के इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।